महाराष्ट्र के राज्यपाल से बदसलूकी के मसले पर कांग्रेस के विधायकों पर गिरी गाज, 5 एमएलए 2 साल के लिए हुए निलंबित। निलंबित होने वाले विधायकों में राहुल बोडरे, अब्दुल सत्तार, अमर काले, वीरेंद्र जगताप और जयकुमार गोरे शामिल। सरकार ने अगर कोई भी बोल दिया, उनके खिलाफ अगर कोई गया तो उनको निलंबित किया जाएगा, वो चाहे किसका ना किसका बहाना मार के किया जाएगा। कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर बोले शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, कहा हर कोई काफी कुछ कह चुका, मैं सही वक्त पर बोलूंगा। एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने विधायकों का निलंबन रोकने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विधायकों की ओर से माफी मांगी थी। विधानसभा में अभिभाषण देने जाते वक्त कांग्रेस और शिवसेना विधायकों ने राज्यपाल का किया था घेराव, धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की में विद्यासागर राव के हाथ में आई चोट, बड़ी मुश्किल से सदन में पहुंच पाए राज्यपाल। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी कांग्रेस शिवसेना विधायकों ने किया हंगामा, बाद में कांग्रेस ने किया वॉकआउट। धक्का मुक्की से पहले विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे कांग्रेस विधायक, विश्वास मत पर वोटिंग की मांग में धरना। अल्पमत की सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है, हम इसका तीव्र निषेध करते हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार विधानसभा के इम्तिहान में पास, ध्वनिमत से पास हुआ विश्वास प्रस्ताव। ध्वनिमत से विश्वास मत पर कांग्रेस शिवसेना ने उठाए सवाल, कहा संविधान का गला घूंटा, सीएम ने कहा पहले क्यों नहीं बोले। जिस समय ये हमने विश्वास मत प्रस्ताव रखा और माननीय अध्यक्ष जी ने उसकी प्रक्रिया शुरू की, किसी ने भी मतदान की मांग नहीं रखी, उसके बाद उस प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया, प्रस्ताव पारित हुआ ऐसा घोषित किया। विश्वास प्रस्ताव पास होने पर लगे आरोपों पर स्पीकर की सफाई, नियमों के तहत किया गया काम। विश्वास मत से पहले शिवसेना ने किया विपक्ष में बैठने का फैसला, एकनाथ शिंदे को मिला नेता विपक्ष का ओहदा। विधानसभा में विश्वास मत में बीजेपी की जीत के बाद नागपुर में जश्न, मुख्यमंत्री का गृह शहर है नागपुर। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर छोड़े पटाखे, जमकर मनाया जश्न। बॉम्बे हाईकोर्ट में डेंगू को महामारी घोषित करने को लेकर पीआईएल दाखिल, 17 नवंबर को होगी सुनवाई। डेंगू से अब तक मुंबई में 12 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा मामले आए सामने। मुलुंड में फर्नीचर शोरूम में कल रात लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 नवंबर को हो सकता है कटौती का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट का असर। देश भर के सरकारी बैंकों में आज काम रहा ठप, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 8 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल। छेल, सलमान खान की बहन अर्पिता की आयुष शर्मा के साथ 18 नवंबर को हैदराबाद में शादी, 21 नवंबर को बैंड्रा के 5 सितारा होटल में रिसेप्शन। सलमान ने बहन की शादी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है न्योता। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी अब राहत की सांस ले रही है, फडणवीस सरकार को कम से कम 6 महीने की मोहलत मिल चुकी है, लेकिन मुंबई में आज जो कुछ भी हुआ उससे एक बार फिर से संवैधानिक व्यवस्था शर्मसार हुई। विधानसभा के बाहर राज्यपाल से धक्का मुक्की से तस्दीक हो रहा है कि हमारे लोकतंत्र को अब भी एक लंबा फासला तय करना बाकी है। जो,
महाराष्ट्र की राजनीति में रंजिश कितनी बदरंग शक्ल ले चुकी है इसका सबूत आपके सामने है। नाटकीयता से भरपूर इस सियासी प्रकरण में आज एक से बढ़कर एक दिलचस्प मोड़ आए। ये तस्वीर दिन भर के ड्रामाई घटनाक्रम का आखिरी पड़ाव था, जहां कांग्रेस एक तरफ हंगामा और बवाल कर रही थी तो दूसरी तरफ शिवसेना राज्यपाल की घेराबंदी। करीब 15 मिनट के हंगामे के बीच जैसे तैसे राज्यपाल विद्यासागर राव सदन में आए। सदन की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन इस सब के बावजूद सियासत अपनी रफ्तार से जारी रही, वो सियासत जिसकी शुरुआत आज सुबह से ही हो गई थी। देश की निगाह महाराष्ट्र विधानसभा पर टिकी थी, सवाल फडणवीस सरकार के विश्वास मत हासिल करने का था। एनसीपी एक दिन पहले बीजेपी सरकार को एक तरफा समर्थन का ऐलान कर चुकी थी लेकिन बीजेपी ने आज सदन में नया दांव चल दिया। ध्वनि मत से विश्वास मत पारित करवाकर बीजेपी ने विरोधियों को लाजवाब कर दिया। शिवसेना और कांग्रेस के नेता सदन से बाहर निकले तो सुर में तलखी थी और बीजेपी पर आरोपों की छड़ी। अध्यक्ष जी को ये बताया गया कि हमने पोल मांगा है, अध्यक्ष जी ने एक भी बात नहीं सुनी, लोकतंत्र का उन्होंने गला घोटा है। एक गलत उनका फैसला अगर हम कंधों पे लेके चले जो लोकतंत्र को मंजूर नहीं है, हमें क्या मंजूर है वो और बात है लेकिन ये लोकतंत्र को मंजूर नहीं है। अगर ये एक सदस्य भी पोल करके बोलता है तो पोल देना चाहिए। जो कल और आज जो सरकार जो गठित हुई है उसका गठन हुआ है वो भी गैर कानूनी है। उन्होंने जो पोल की मांग हम लोगों ने सब विरोधी पक्ष के सदस्यों ने की थी उसे भी ठुकरा कर वहाँ पर गड़बड़ी में यहाँ पर कामकाज सदन का काम आगे बढ़ाने का काम किया, ये भी महाराष्ट्र के जनता के साथ विश्वासघात है, ये भी धोखा है। बीजेपी की सियासत साफ है, अगर वोटिंग होती तो एनसीपी का साथ लेने की मजबूरी होती। जिस एनसीपी को मोदी ने नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहा था उसी के समर्थन से सरकार बचाने पर बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। वैसे चर्चा तो शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी खिचड़ी पकने की भी है, वरना अध्यक्ष पद का मसला इतनी आसानी से नहीं सुलझता और शिवसेना को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलता। फिलहाल फडणवीस सरकार को 6 महीने की मोहलत मिल गई है लेकिन अल्पमत की मजबूरी और एनसीपी शिवसेना के दबाव के बीच सरकारी कामकाज कैसे होगा ये देखना दिलचस्प होगा। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती थी कि वोटिंग से ऐसे दिखे कि उसकी सरकार एनसीपी की बैसाखी पर खड़ी है। उधर शिवसेना बीजेपी को इसी मोर्चे पर एक्सपोज करना चाहती थी, लिहाजा बवाल हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि आज का घटनाक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा। जब एनसीपी ने बिन मांगे समर्थन का ऐलान किया था तभी से ये तय हो गया था कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सदन में घटनाएं जिस अंदाज में आगे बढ़ी इसकी उम्मीद शायद ही बीजेपी थिंक टैंक ने की होगी। दरअसल शिवसेना ने सुबह 9 बजे तय किया कि वो विधानसभा में नेता विपक्ष का पद लेगी। सुबह करीब 10:30 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले शिवसेना और बीजेपी की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बीजेपी ने शिवसेना के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर शिवसेना विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग नहीं रखेगी तो तुरंत उसे नेता विपक्ष का पद मिल जाएगा। इस समझौते के बाद सुबह 11 बजे जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले हरिभाऊ बागड़े को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कायदे से इसके बाद नेता विपक्ष का चुनाव होना था लेकिन स्पीकर ने ये कहते हुए इसे टाल दिया कि वो इसे विश्वास मत के बाद देखेंगे क्योंकि कांग्रेस ने भी नेता विपक्ष के लिए दावा किया है, इसलिए उन्हें कानूनी जटिलताओं का अध्ययन करना होगा। दोपहर करीब 12:30 बजे बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया और स्पीकर ने मौखिक वोटिंग कराने का फैसला किया। आयज के शोर के बीच जैसे ही स्पीकर ने ध्वनि मत से विश्वास मत पास होने का ऐलान किया कांग्रेस और शिवसेना ने हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष जी को ये बताया गया कि हमने पोल मांगा है, अध्यक्ष जी ने एक भी बात नहीं सुनी, लोकतंत्र का उन्होंने गला घोटा है। उन्होंने मतदान लेना चाहिए था, शायद उनके पास बहुमत नहीं है। जो 40 सदस्य गडकरी जी के बंगले पे गए थे उनको साथ देने के लिए, वो भी शायद मतदान करने वाले नहीं थे, उनके ही एमएलए उनके साथ में नहीं थे और इसके लिए उन्होंने नियम तोड़ के
नियम का पाईमाली करके उन्होंने आज ये सदन में जो आवाजी मतदान लिया वो गलत है। लेकिन स्पीकर और सरकार दोनों कांग्रेस और शिवसेना के दावे को झुठला रहे हैं। स्पीकर का साफ कहना है कि जब उन्हें वोट की मांग रखनी चाहिए थी उस वक्त वो चुप रहे और अब हंगामा कर रहे हैं। ऐसा है कि मांग तो उसी क्षण पे करना पड़ती है। अध्यक्ष जब कहते हैं कि प्रतिकूल कौन है, जब उन्होंने हाथ ऊपर करके बोलना था कि पोल, तो उन्होंने कुछ बोला ना, मैं होई का बहुमत बोलने के बाद दूसरा विषय लिया वो पढ़ रहा जब उन्होंने बोला। जो घोषणाएं आई तो विरोध में जिन्होंने पोल मांगना चाहिए था वो किसी ने पोल नहीं मांगा और इसलिए विश्वास दर्शक प्रस्ताव पारित हुआ। फिर नेता प्रतिपक्ष चयन की बात आई, उस समय फिर कुछ लोगों ने पोल की मांग की, तब तक विषय आगे जा चुका था। तो सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में ये नए ड्रामे का दौर है जहां अपना चेहरा बचाने के लिए हर दल मोहरे चल रहा है। कमलेश सुतार और वीरेंद्र घुनावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।